इस वीडियो में मैं आपको Asus Zenfone 5G के बैटरी AI फीचर के बारे में बताने वाला हूं, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है Asus Zenfone 5G। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने पहले ही कर दिया है और एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस हैंडसेट पर PUBG गेम खेलकर बताया है। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने देखा नहीं है तो। इस हैंडसेट में बैटरी AI फीचर है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको एक फास्ट चार्जर भी मिलता है 9V 2A का। यह हैंडसेट OnePlus 6 को टक्कर दे रहा है। OnePlus 6 पर डैश चार्जर है जो बहुत ही फास्ट चार्जिंग करता है। ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन ये जो Asus Zenfone 5G स्मार्टफोन है इस पर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, बैटरी AI। उसके लिए आपको पावर मास्टर में जाना है और यहाँ पर ये देखिए नीचे की तरफ बैटरी केयर का ऑप्शन है, इसे आपको एनेबल करना है। पहले यहाँ पर मैं टैप कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, उसे आपको ऑन करना है, मतलब कि एनेबल करना है। अब AI चार्जिंग मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चार्जिंग एनेबल हो गया है। इस हैंडसेट को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आप कब हैंडसेट का उपयोग नहीं करते हैं और उस समय अगर आप चार्जिंग पे रखते हैं तो ये AI मोड के ज़रिए चार्ज करेगा। ज़्यादा करके ये जो फीचर है उन लोगों के लिए काम आने वाला है जो रात भर हैंडसेट को चार्जिंग पे रखते हैं। आप अगर चाहें तो मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं शेड्यूल चार्जिंग, मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से समय में आप सोते हैं और कौन से समय पर उठ जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 10 बजे आप सोते हैं और 7 बजे उठते हैं। रात को सोने से पहले हैंडसेट को चार्जिंग पर रख दीजिए और सुबह 7 बजे जैसे ही आप उठेंगे तो बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बैटरी AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जो हैंडसेट है 80% तक जल्दी चार्ज हो जाएगा और उसके बाद में चार्जिंग रुक जाएगा। और जो शेड्यूल टाइम आपने दिया हुआ है जब आप उठने वाले हैं, मतलब कि 7 बजे, उठने से 1 या 2 घंटे पहले जो चार्जिंग है फिर से शुरू हो जाएगा और जब आप उठ जाएंगे तब तक ये जो हैंडसेट है फुल चार्ज हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि बैटरी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है और जो बैटरी का लाइफ है वो भी दुगना हो जाता है। बैटरी सेक्शन में जितने भी पावर सेफ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये जो बैटरी AI फीचर है ये बहुत ही बढ़िया है, खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही काम में आने वाला है जो रात भर जो स्मार्टफोन है उसे चार्जिंग पे रख देते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 1 घंटे या 2 घंटे में जो आपका हैंडसेट है फुली चार्ज हो जाता है और फिर रात भर 100% चार्जिंग पर रहता है। अब कुछ स्मार्टफोन्स में टेक्नोलॉजी होती है जहां पर जैसे ही 100% हो जाता है और चार्जिंग पे रखा हुआ है तो जो चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाता है और जैसे ही बैटरी थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, मतलब कि 99% पर आ जाता है, तो फिर से चार्ज हो जाता है। इससे लॉन्ग टर्म में बैटरी लाइफ पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन Asus का Zenfone 5G में जो बैटरी AI टेक्नोलॉजी है ये इस सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। वैसे इस हैंडसेट का पूरा रिव्यू मैं जल्द ही लेके आऊँगा, तब तक इंतज़ार कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और देखते रहिए।